एक समय की बात है, घने जंगल के बीचों बीच बसे एक शांत सुरम्य गांव में टिम्मी नाम का एक युवा लड़का रहता था। टिम्मी एक हंसमुख और साहसी बच्चा था जिसका जानवरों से गहरा रिश्ता था। उन्होंने अपने घर को तीन वफादार साथियों के साथ साझा किया, मैक्स वफादार कुत्ता, व्हिस्कर्स शरारती बिल्ली और चार्ली चंचल बंदर। साथ में वे एक अविभाज्य चौकड़ी थे जो जंगलों की खोज करते थे और ऐसी यादें बनाते थे जो जीवन भर बनी रहेंगी। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, जंगल में लंबी छाया पड़ी। छाया से एक भयावह आकृति उभरी। गांव वाले उसे रहस्यमय काला जादू करने वाला मलाचाई कहते थे, जिससे सभी लोग डरते थे। उनकी प्रतिष्ठा काले मंत्रों, अभिशापों और द्वेषपूर्ण कार्यों की कहानियों पर बनी थी, जो उनके रास्ते में आने वाले लोगों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देते थे। मलाचाई को लंबे समय से जानवरों के साथ टिम्मी के अनूठे संबंध की चाहत थी। उनका मानना था कि यह उनके काले जादू को सशक्त बना सकता है। एक रात अंधेरे की आड़ में वह टिम्मी के कमरे में घुस गया और एक दुष्ट जादू कर दिया, जिसने सोते हुए लड़के को भयावह ऊर्जा के भंवर में डाल दिया। कमरा कांप उठा और पालतू जानवरों को दुष्ट उपस्थिति का एहसास हुआ, लेकिन वे हस्तक्षेप करने में असमर्थ थे। जब टिम्मी जागा तो उसने खुद को रहस्यमय अंधेरे में डूबी एक अपरिचित जगह पर पाया। घबराहट उस पर हावी हो गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह अब घर पर नहीं है, मैक्स व्हिस्कर्स और चार्ली की आरामदायक उपस्थिति से घिरा हुआ है। वह मलाचाई की मांद में फंस गया था, जहां दुष्ट जादूगर ने अपने दुष्ट इरादों का खुलासा किया था। युवा लड़के, तुम्हारे पास एक अनोखा उपहार है, मलाचाई ने उपहास किया, और मैं इसे अपने नापाक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। टिम्मी का दिल अपने पालतू जानवरों और अपने घर के लिए दुखता था। वह जानता था कि उसे भागने और अपने प्रिय साथियों के साथ फिर से जुड़ने का रास्ता खोजना होगा। इसके बाद के दिनों में उसने मैक्स व्हिस्कर्स और चार्ली के साथ साझा किए गए साहसिक कारनामों की यादों से शक्ति प्राप्त करते हुए अपना सारा साहस और दृढ़ संकल्प जुटाया। गाँव में टिम्मी और उसके पालतू जानवरों की अनुपस्थिति पर किसी का ध्यान नहीं गया। टिम्मी के माता पिता के नेतृत्व में ग्रामीणों ने अपने लापता प्रियजनों की निरंतर खोज शुरू की। उन्होंने एक बुद्धिमान बूढ़ी महिला का मार्गदर्शन मांगा, जिसे जंगल के छिपे रहस्यों और अतीत के नायकों की किंवदंतियों का ज्ञान था। बूढ़ी औरत की बुद्धिमत्ता उन्हें जंगल के भीतर एक छिपे हुए घास के मैदान में ले गई, जहां उन्हें मलाचाई के जादू को तोड़ने की शक्ति वाला एक प्राचीन ताबीज मिला। इस नई आशा के साथ वे टिम्मी और उसके पालतू जानवरों को बचाने के लिए निकल पड़े। जैसे ही ग्रामीण मलाचाई की मांद के पास पहुंचे, जादू की एक भयंकर लड़ाई शुरू हुआ।